खुद पर कर तू यकीन, ना हो हताश ना हो परेशान, दे अपने इरादों को बल और मंजिल की ओर चल। चलिए आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास मास्टर रिवीजन, इसमें जो चैप्टर्स आने वाले हैं टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी सिलेबस है आप लोगों के लिए, इस इजी सिलेबस को हम अपने हिसाब से पूरा डिफाइन कर देंगे। सबसे बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में फाइंड सिक्स डिजिट नंबर, रेशनल और इरेशनल, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करें। जैसे सपोज करिए, जैसे 5/7 दे रखा है एंड 6/7 दे रखा है, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 रेशनल फाइंड करने हैं तो क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू 3 करके एन प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा के 3+1 यानी 4, और ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें 4 नंबर फाइंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, इस सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए भी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। रेशनल और रेशनल क्या होते हैं ये जानते हैं हम लोग। रेशनल का मतलब P/Q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स मतलब जो P/Q के फॉर्म में नहीं आ सकते, या जिनके अकाउंट में जीरो आता है, या फिर जो रूट में आ जाए, प्राइम नंबर्स रूट में आ जाए, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। पॉलीनोमियल्स फैक्टराइजेशन एंड फाइंड P0, P1 और K की वैल्यू फाइंड करना, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे मार्क्स का आने वाला है, जिसमें भी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5, ये दोनों एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से श्योर आपके 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी नो दैट कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स होता है, दिस इज द वाई एंड दिस इज द नेगेटिव वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें डिफाइन करना है, वी नो दैट सबसे पहले एक्स आपके आएगा, उसके बाद वाई लिखा जाएगा, एक्स और वाई। अगर कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है, जैसे सपोज करिए आपसे ये पॉइंट दे दिया, इसके पॉइंट पूछे हैं, वी नो दैट यहाँ पर हमेशा वाई जीरो करता है लाइज, और एक्स जीरो लाइज करता है वाई होगा, एंड जीरो का वाई कैंसिल, यहाँ पर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट पूछे जाए आपसे, वी नो दैट एक्स कॉमा जीरो। एक्स का अदर नेम होता है एक्सिस, वाई का होता है ऑर्डिनेट, ये आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो। तो ये कुछ सिंपल बातें हैं जो चैप्टर 3 का है, क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्सिस कौन सा है, कहाँ आता है, कौन सा लाइज करता है, आ जाता है। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको एक्स माइनस वन वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको यहाँ एक्स और वाई में से एक वैल्यू को शिफ्ट करके दूसरे के टेबल बना के वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करिए मैं इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं सपोर्ट शिफ्ट कर रहा हूँ वाई को, तो वाई हो गया 2+1। अब इसमें एक्स और वाई के लिए हम मानते हैं, जैसा हम वाई के लिए पुट करेंगे एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग आ जाएगी। सपोज करिए वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0+2 कितना हो गया 2, वाई की वैल्यू 1 पुट करी तो 1+2 कितना हो गया 3, यहाँ पर 2 पुट करा 2+2 कितना हो गया 4, यहाँ अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1+2 कितना हो गया 1 हो। तो ये आप वैल्यू पुट करके बहुत सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई में से जो सिंगल हो उसको शिफ्ट कर दें, बाकी इजी आ जाएगा। चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें सिंपल है, एक ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पोस्टर थोड़ा देख के जाना, बाकी सिंपल सॉल्व से पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन है, थ्योरम से जान सकते हैं, बेसिकली फिफ्थ पोस्टर आती है उसको जरूर देख लें। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स आपके बहुत सिंपल, अल्टरनेट एंगल्स कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 2 लाइंस आर हियर, 1 इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन थर्ड लाइन कहलाती है, इसमें जो एंगल बनते हैं, यहाँ एंगल बनने वाला और यहाँ एंगल बनने वाला कौन सा एंगल कहलाता है आपको बताना है, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम हो गया, 2 लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल है तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है,
एक नाइन पे बनने वाला एंगल समोनिटी होता है। इससे आप सारे एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है कि हमें ऐसे लगे बहुत टफ है। एक बार क्वेश्चन जरूर हाथ से निकालना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी आएगा। इसमें प्लेन, आप डेफिनेशन जानते हैं, प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्टिंग, और एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, वैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इजी करो। ये पूरा एक ओवरव्यू हमने दे दिया इस चैप्टर्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स का। इन सब के वीडियो हम बना चुके हैं पहले, आओ पढ़े चैनल पे प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। और भी आपको लगता है कोई वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सबके पास ज्यादा पहुंचाएं। और भी आपकी क्वारीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।